हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो यूपी बोर्ड के 12th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। 11,460 स्टूडेंट्स को मिलेगा 10,000 रुपये वजीफा। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, विस्तार से अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप के साथ साथ नेशनल स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये जो छात्रवृत्ति है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखी गई है। इंटरमीडिएट में सफल छात्र छात्राओं के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है। विज्ञान वर्ग में यानी कि साइंस स्ट्रीम में 334 मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके साथ ही वाणिज्य वर्ग में यहां पर 313 मार्क्स होना कंपलसरी है और कला वर्ग में यहां पर 304 अंक पाने वाले स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यूपी बोर्ड की 2020 इंटरमीडिएट परीक्षा में 80% से पास करने वाले 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर ये जो छात्रवृत्ति है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने पर सालाना 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। बोर्ड ने बुधवार को छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र छात्राओं का कट ऑफ जारी कर दिया है। विज्ञान वर्ग में, वाणिज्य वर्ग में व कला वर्ग में क्रमशः यहां पर 334, 313 व 304 अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8,00,000 रुपए से कम हो वे आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को अपना आधार नंबर अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या से लिंक कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही योग्य छात्र छात्राओं के विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD की ऑफिशियल वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर उपलब्ध हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मेधावियों को सलाह दी है कि इस वेबसाइट पर विस्तृत विवरण प्राप्त कर आवेदन अवश्य करें। ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान के नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। इसके साथ ही एक कंडीशन यहां पर और रखी गई, आपको 12th क्लास पास करने के बाद जो यहां पर मार्क्स बताए गए हैं उतने मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही 12th क्लास पास करने के बाद आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में यहां पर एडमिशन लेना होगा, तभी ये जो छात्रवृत्ति आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये एक टाइप की सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम है। इसके साथ ये छात्रवृत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएगी। वे ये छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे। विज्ञान, वाणिज्य व मानविकी वर्ग में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व के वर्षों 2016, 2017, 2018 व 2019 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएँ अपनी छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। सभी छात्र छात्राओं को अपना आधार नंबर अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या से लिंक कराना होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, इस स्कॉलरशिप से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।